जनपद संभल के भेजोई डीआर रिसोर्ट में संगठन समीक्षा बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राजकीय उपाध्यक्ष किरण में नंदा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव के आते ही हिंदू मुस्लिम करती है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि रमजान में बिजली मिलती है, दीपावली पर बिजली नहीं मिलती है, शमशान कब्रिस्तान करके चुनाव करते हैं, झूठे जुमलेबाजी करके बीजेपी ने सरकार बनाई है। सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण में नंदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डेली पैसेंजर कहते हुए कहा कि बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री डेली पैसेंजर बन गए, सुबह बंगाल और शाम को दिल्ली पहुंच जाते हैं। 2021 के बंगाल चुनाव में सारे हिंदुस्तान की भाजपा दिल्ली से यूपी के कैबिनेट मंत्री जहां जहां भाजपा के लीडर थे सब बंगाल में हाजिर हो गए। ऐसा लगता है कि पूरा देश बंगाल से ही पूरे देश का शासन चलेगा और चुनाव में 5,000 करोड़ रुपये खर्च किया। प्रधानमंत्री के लाल टोपी के बयान का जवाब देते हुए कहा कि लाल टोपी यह भाजपा के लिए रेड अलर्ट है, लाल टोपी एक क्रांति है, परिवर्तन का एक निशाना है, भाजपा को हटाएंगे और सपा सरकार बनाएंगे। देश का जनता को ये वार्ता देता है, अरे रमजान में आपको कोई विद्युत मिला, दिवाली में आपको विद्युत मिलता है, नवरात्र में विद्युत मिलता है, दिवाली में कोई विद्युत नहीं मिलता है, शमशान कब्रिस्तान करके जब चुनाव करते हैं, हिंदू मुस्लिम करके जब चुनाव करता है, क्या मुद्दा उनका पास है? उनका पास कुछ मुद्दा नहीं है, केवल जुमलेबाजी, केवल धोखा देके 2014 में सरकार बनाया, 2014 में उत्तर प्रदेश का सरकार बनाया। हम लोग का एजेंडा होगा जनता का विकास, देश का महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, यही एजेंडा लेके हम लोग जनता का बीच में जाएंगे। आज जनता मन मना लिया कि इस बार जो सरकार होगा समाजवादी पार्टी का सरकार होगा, अखिलेश यादव दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, क्यों 2017 से 2022 उत्तर प्रदेश में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ, जो विकास का काम हुआ था 2012 से 2017 जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री ने एक सभा में कहा था कि ये लाल टोपी जनता के लिए रेड अलर्ट है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, रेड अलर्ट तो है ही, रेड अलर्ट भाजपा के लिए रेड अलर्ट है, क्यों जो लाल टोपी है ना, लाल टोपी एक क्रांति है और एक परिवर्तन का एक निशाना है। जनता इस बार चुनाव में ये लाल टोपी पहन के जनता का सब समाजवादी पार्टी करता सब कार्यकर्ता भाजपा को हटाएंगे, भाजपा को भगाएंगे, सपा को सरकार लेकर आएंगे।